अगर आपको थारू में विधानसभा से अगर सीट किसी वजह से नहीं मिलता है तो फिर क्या रुख रहेगा आपको? आप पार्टी छोड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी में जाएंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? और हम काहे नहीं लड़ेंगे, हम हर हाल में जो है एमएलए से एमएलए जो है एमआईएम से लड़ेंगे। हमारे नौसाद साहब जो अभी हमारे लोग का जो एमएलए है दो तरफ से एमएलए रह रहे हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ कि कोई तो पुल का जरूरत है हम लोगों को, आज तक पुल के बारे में आश्वासन ही दिया है हर काम में लेकिन काम आज तक नहीं किया। इससे पहले आप लोग सुन लेंगे दिगलगंज में उसको घेराबंदी किया, हमें तकलीफ है इस बात को कि एक एमएलए को बंदी बनाया 4 घंटा के लिए, काहे बंदी किया? आप काम करेंगे तो साहब आपको बंदी कौन कराने वाला है? कैंडिडेट का दावा तो हर कोई कर सकता है, इसमें हम जो फैसला देने वाला नहीं है। कैंडिडेट आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, जो भी है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, 4-5 ऐसे हैं। तो अभी इलेक्शन का जो बिहार का जो अभी समीकरण जो स्टार्ट हुआ है अभी ये है, इससे पहले कहाँ चले गए थे, कहाँ मेहनत किए थे लोग? मेहनत तो हाफिज बाबू जिला सचिव हाफिज बाबू साहब भी ना किए हैं, इनके अलावा किसी को देखे हैं तो बोलो कौन सा मेहनत किया बताइए। दोस्तों आज हमारे साथ एक खास मेहमान है जो ऑल इंडिया मंच इत्तेहाद मुस्लिमीन के जिला सेक्रेटरी हैं कारी महबूब साहब। आज इनसे फेस टू फेस ये सवाल पूछा जाएगा कि ऑल इंडिया मंच इत्तेहाद मुस्लिमीन का बिहार में जो इलेक्शन लड़ने का एक जो सबसे पहले जो 32 लिस्ट का जो ऐलान हो गया है उसके बाद से किस तरह की रणनीति रहेगी। और आपको बता दें कि अभी तक सीमांचल के अंदर किशनगंज विधानसभा का सीट या फिर और भी विधानसभा का सीट का ऐलान नहीं हुआ है। हम जानना चाहेंगे खाली महबूब साहब कि अभी तक इन सब सीटों का ऐलान नहीं हुआ है तो क्या लगता है एमआईएम इसमें चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, क्या बात है? चुनाव तो हर हाल में ही लड़ेगा क्योंकि अभी इसका जो है ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि अभी 32 सीट का जो उधर का जो मामला आया है तो उसको जो है हमारा जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो है उनका ये कर दिया है, हुक्म जारी कर दिया है कि 32 सीट में जो है हम लोग लड़ेंगे। और जो है अभी जो है फिर दूसरा जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इस ये जो 4 सीट अभी जो छोड़ा हुआ है तो यही नहीं है, हम लोग तो ये चाहते हैं कि बिहार के जितने भी सीट हैं सारे सीट में हम लोग लड़ना चाहते हैं। और क्योंकि हम लोग तन मन धन से हम जो है एमआईएम को जो मजबूत किए हैं और जो मेहनत किए हैं हम लोग, और हमारे बैरिस्टर साहब जो हम लोग को तो सिपाही के तौर पर नजर में जो हम आप लोग देख रहे हैं तो मजबूती से हम लोग जो है हर किसी के खुट्टा को उखाड़ के हम लोग फेंक चुके हैं। यहाँ पर कोई बीजेपी का बोलबाला नहीं है, यहाँ पर कोई आरजेडी का बोलबाला नहीं है, क्योंकि ये जितने भी सारे नेता हैं सिर्फ इलेक्शन ही में हो हल्ला कर आता है और हो हल्ला करके ऐसा चला जाता है। एमआईएम का हर एक एक सिपाही हर हर एक एक घर में जाकर खड़ा नजर आता है, चाहे वो एनआरसी के बारे में हो तो घर घर तक जो है हम लोग जो है आवाज को बुलंद किए, लोगों को समझा है कि भाई एनआरसी क्या है, सीए क्या है, सारा चीज जो हम लोग ताई मदद किए, हम लोग टेंट लगवाए, हम लोग मैकिंग करवाए, हम लोग एमआईएम वाला कोई अदर पार्टी अगर किया हो तो बोले, कोई भी ऐसा काम को नहीं किया है। अब उनके बाद जो है लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के अंदर पूरे बिहार के मजदूर भाई बाहर में फंसे हुए हैं, तो हैदराबाद से लेकर के आपका सीमांचल बिहार में जितने भी हैं उनके सिपाही हमारे बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब आज बसों में ट्रेनों में प्लेनों में लोगों को पैसे देकर के लोगों को मजदूरों को अपने अपने घरों तक तो पहुंचाया उसने। और उनके अलावा उनके जो हम लोग सिपाही हैं जितना मैं चाहे बिहार सदर अब्दुल ईमान साहब हो जाए या मैं एमआईएम के जिला सेक्रेटरी हूँ, मैं हूँ, जहां तक हुआ लोगों के घरों तक जो राशन मैंने पहुंचाया। मेरे ऊपर कोई लिख आया कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है, आप तो कानून का उल्लंघन करते हैं, आप जो है घर में ये करते हैं जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो लास्ट में जो पुलिस वालों का सहारा लेकर के मैंने सामान को वितरण किया और मैं पीछे हटा नहीं। मैं इसलिए पीछे नहीं हटा कि गरीब भूखा मर रहे हैं हमारे सीमांचल के ये ठाकुरगंज के और दिगलबेन के जो नौसाद साहब है हम लोगों का, ये तो किसी भी चीज में नजर नहीं आई, ना एनआरसी में नजर आया, ना 3 तलाक में नजर आया और ना 370 में नजर आया और ना अभी जो है लॉकडाउन है तो गरीबों का क्या हाल है। अभी देखिए आप चचरीपुर का जो कैची से क्या आपने नाम दिया नौसाद साहब का जिक्र आया से एक बात आपके बारे में इस प्रकार वाला प्रश्न आया, आप भी कई बार कह चुके हैं इंटरव्यू में कि आप ठाकुरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप क्यों एक ठाकुरगंज विधानसभा को चुने हैं, आप क्यों इसी में चुनाव लड़ना चाहते हैं इसी विधानसभा में, कोई खास वजह? जी खास वजह यह है कि मेरा घर जो है भौलमड़ा पंचायत में है, मेरा बाप दादा पुरखो जो है वहां पर रहे हैं और हम लोग ठाकुरगंज से बिलोंग करते हैं और हम लोग वहां पर रह रहे हैं, तो जाहिर बात है कि हम जो अपना जो है ठाकुरगंज और दिगलबैंक मेरा अपना घर है
और हम काहे नहीं लड़ेंगे, हम हर हाल में जो है एमएलए से एमएलए जो है एमआईएम से लड़ेंगे, क्योंकि बिहार सदर जो अब्दुल ईमान साहब हैं उनका जो है बात को हम काट नहीं सकते हैं, वो जो हुक्म कर दे, लेकिन हमारे जो नीति है कि हम क्या लगता है आपको टिकट मिलेगा वहां से? जी टिकट तो हमारे मेहनत के ऊपर फैसला करेगा, क्योंकि एमपी का इलेक्शन से लेके आज तक चाहे वो क्रिकेट हो जाए, चाहे वो जलसा जुलूस हो जाए, चाहे शादी ब्याह हो जाए, चाहे रोड हो जाए, यानी हर किसी के दुख दर्द में हाफिज महबूब ही नजर आया है। तो आज फैसला जनाब अब्दुल ईमान साहब कुछ सोचेंगे और फैसला देंगे, उनके फैसले पर जो है मुगे करेंगे। ठाकुरगंज का कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसपे लेके आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? ठाकुरगंज का सबसे पहला मुद्दा है हमारे भौरमना तो पंचायत में आप चले जाइए, मैं एक और दो चीज का नाम ले रहा हूँ आपसे, 2 किलोमीटर के अंदर सर्वे से लेके आज तक जो गांव का सर्वे हुआ वहां से लेके आज तक एक रोड को नौसाद साहब ने पास नहीं करवाया। आज कोई लड़का लड़की का शादी होता है तो साइकिल में बैठा करके उस गांव में लेके आना पड़ा, और मेरे गांव वो बसता है। आज हमारे गांव नदी के चपेट में पड़े हुए हैं, इधर से महानंदा है, उधर से मेची है, चारों तरफ से जो है नदी कटा रहे हैं और बिल्डिंग को गिरा रहे हैं, इसके ऊपर कोई आज तक हमारे नौसाद साहब नहीं सोचे इसके बारे में। रही सवाल वो तो विकास करके, और विकास जो अभी जो एमएलए बने हैं सिर्फ फंड जो है जो आता है और बाकी जो वापस चले जाए उसके बारे में उसको जिम्मेदारी है नहीं, समाज के बीच में वो नहीं है। ये तो जेडीओ का जो मामला है नीतीश कुमार के नाम से वो उनको जो है ये कर दिया था, लेकिन नीतीश साहब जो पलटू राम कितना निकल गए ये तो सब आपको मालूम है, तो उनका नेता कैसे होगा? हमारे नौसाद साहब जो अभी हमारे लोग का जो एमएलए है दो तरफ से एमएलए रह रहे हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ कि कोई एक तो पुल का जरूरत है हम लोगों को, आज तक पुल के बारे में सिर्फ आश्वासन ही दिया है हर काम में, लेकिन काम आज तक नहीं किया। इससे पहले आप सोचेंगे दिगलगंज में उसको घेराबंदी किया, हमें तकलीफ है इस बात को कि एक एमएलए को बंदी बनाया 4 घंटा के लिए, काहे बंदी किया? आप काम करेंगे तो साहब आपको बंदी कौन कराने वाला है? आप एफआईआर जो है गरीबों के नाम पर यतीमों के नाम पर करा रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं ना आप। आप काम करेंगे आपको बंदी कोई नहीं बनाएगा। अच्छा ठाकुरगंज विधानसभा से एमआईएम के और भी लोग हैं जो अपने आप को कैंडिडेट का दावा करते हैं, तो आपको किस तरह देखते हैं इन लोगों को? जी मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट का दावा तो हर कोई कर सकता है, इसमें हम जो फैसला देने वाला नहीं है। कैंडिडेट आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, जो भी है, मैं नाम लेना चाहता हूँ, 4-5 ऐसे हैं। तो अभी इलेक्शन का जो बिहार का जो अभी समीकरण जो स्टार्ट हुआ है अभी ये लोग है, इससे पहले कहां से लगे थे, कहां मिलन किए थे लोग? मिनट तो हाफिज महबूब जिला सचिव हाफिज महबूब साहब ही ना किए हैं, इनके अलावा किसी को देखे हैं तो बोलो कौन सा मेहनत किया बताइए। जैसा कि अभी हर एक चीज में जो है, जैसा कि हम आपको तो पहले बोलते हैं कि जलसा में जुलूस में इसमें जो है शादी में, उनके बाद जो है गरीबों को खाना पहुंचाने में, गरीबों को चावल आटा दाल देने में, जितना जहां तक हुआ घर वगैरह में किसी का लड़की का शादी नहीं होता उनमें सारे चीज में हमने मदद किए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपसे सवाल ये है कि एमआईएम जो है बिहार में कई जिलों में सदस्य अभियान चला रही है, लेकिन अभी तक देखने को मिल रहा है किशनगंज के कई हिस्सों में अब तक सदस्य अभियान नहीं चल रहा, इस बारे में क्या कहना है? जी इसके बारे में इससे पहले हम लोग का जो बिहार सदर जो है मीटिंग किया था इससे पहले, तो हमारे एसपी साहब जो है प्रभारी है एमआईएम के, तो उनको बोला गया है कि आप जो है उन लोगों को कॉपी लेके दे, इसके बारे में डिस्कस किया हूँ कि सारे जगह में जो है इसका जो काम हो रहा है सदस्य अभियान का काम हो रहा है, तो हमारे ये चारों में काम काहे नहीं हो रहा है? तो क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से अभी इस काम को अंजाम नहीं दे पाए हैं। अभी जो फिलहाल जो मीटिंग हुआ अभी जनाब अब्दुल ईमान साहब जो अभी बुलाए थे सबको, सातों ब्लॉक का सब उसको बुलाए थे और सब मेंबर को बुलाए थे और बुला के इस काम को हम लोग जारी करेंगे, एक तारीख का टाइम दिया था, लेकिन अब 2-4 दिन के अंदर इधर एसपी साहब हम लोग आएंगे दिगल बैंक ठाकुरगंज जितना हमारा चारों सीट है चारों सीट में मेंबरशिप का काम हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर आपको ठाकुरगंज विधानसभा से अगर सीट किसी वजह से नहीं मिलता है तो फिर क्या रुख रहेगा आपको? आप पार्टी छोड़ेंगे या फिर किसी और पार्टी में जाएंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हम मतलब ही नहीं है, हमको काम से मतलब है। हम मोहब्बत बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब से करते हैं और अब्दुल ईमान से मोहब्बत करते हैं, वो हमारे बड़े आला पैमाने के जो है नेता है और उसको मैं नेता मान रहा हूँ, और वो जो फैसला कर दे जिसके हित में फैसला करेगा तन मन धन के साथ में मैं ईमान का साथ देने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए हाजिर हूँ, इंशाल्लाह खड़े रहूंगा वो जो फैसला कर दे। तो आप देख रहे थे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी फारूक महबूब साहब जो कह रहे थे और गिना रहे थे कि ठाकुरगंज विधानसभा जो आजादी के बाद से लेकर अब तक किस बदतर हालात में वहां के लोग रोड और पुल पुलिया के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसी खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और अपना जो भी विचार है वो कमेंट में जरूर करें।